चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये एक तानाशाही सरकार ने बोलते ना एक कोने में हमें ऐसा कर दिया कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा कि अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम अभी मेरठ के ऐतिहासिक मुस्तफ़ा पैलेस में हैं, जो मुस्तफ़ा खान साहब के जो कि 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा उन्होंने शिरकत भी ली थी और उसके साथ साथ वो जेल भी गए थे, और उनकी याद में उनके बेटे ने ये ऐतिहासिक मुस्तफ़ा पैलेस बनाया था मेरठ में। और आज हमारे साथ मेरठ कैंट की उम्मीदवार, रालोद से उम्मीदवार मनीषा अहलावत जी हैं। मनीषा जी, सीसीए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मनीषा जी, सबसे पहले तो अभी एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ है, ख़त्म हुआ है, और ये एक पूरी बेल्ट रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जो पिछले कई सालों से एक कम्युनल टेंशंस, एक पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिली है। क्या इस बार आप कुछ फ़र्क देख रहे हैं, खास करके इस आंदोलन के बाद? जी हाँ नकुल, ऐसा काफ़ी सालों बाद देखने को मिल रहा है कि भाईचारा जो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नारा है, ये दोबारा बुलंद हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुकून की बात है कि ये नफ़रत की राजनीति का अंत शुरू हो गया है और इसको अंत तक हमें ले जाना है, और ये चुनाव में इसका बहुत बड़ा एक फैसला होने वाला है। हाउ डू यू व्यू दिस इलेक्शन? इज इट जस्ट एनी अदर ऑर्डिनरी इलेक्शन? इज इट जस्ट अनदर इलेक्शन, और डू यू थिंक देयर इज अ मच ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू दिस इलेक्शन? ये बहुत अहम इलेक्शन है। ये दिस इज नॉट जस्ट अनदर इलेक्शन। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की तकदीर बताएगा आगे तक की। तो ये जो इलेक्शन होगा 2022 का, ये एक झटका लगेगा, और उत्तर प्रदेश में जो सत्ता खो देता है वो देश की सत्ता भी खो देता है, हम ये भी जानते हैं। तो जब यहाँ से भाजपा जाएगी तो सेंटर में से भी जाएगी, और ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा जाने वाली है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? लोगों से आ रहा है। मैं सारे में घूम रही हूँ, और मैं किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मैं जिस दिन पता लगा था उसके मेरे ख्याल में तीसरे दिन ही सिंघू बॉर्डर पहुँच गई थी, और फिर मैं पिछले साल, ठीक एक साल पहले, इतनी ही ठंड में मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे जाके किसानों के साथ रही, दो दिन वहाँ बिताए। क्योंकि कोई भी बात आजकल आप मीडिया पे तो भरोसा कर नहीं सकते, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं जा सकती हूँ तो वहाँ जाकर देखूँ माजरा क्या है। तो मैंने हमेशा यही किया है। तो वहाँ गए, और तो मुझे माहौल तो वहीं से पता लग गया था कि ये अंत वहीं शुरू हो गया था इनका। दिल्ली के बॉर्डर से ही ये अंत शुरू हुआ है इनका, और ये यूपी तक, बंगाल तक, सब जगह फैल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अंत तो आ ही रहा है, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी आ रहा है हमें। सोशल इंक्लूजन की अगर हम बात करें, मतलब भाईचारे की बात होती है, लेकिन बहनों के सवाल कम ही उठते हैं चुनावों में। यहाँ तक कि सच्चाई ये है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी महिला उम्मीदवार जो हैं, जो दो मुख्य अगर हम धड़े देख लें इस बार भाजपा से भी और सपा रालोद का जो गठबंधन, और अन्य पार्टियां भी जो सपा के साथ जो इसमें जो गठबंधन है, महागठबंधन, दोनों तरफ महिला उम्मीदवार अभी भी बहुत कम हैं। कांग्रेस ने ज़रूर घोषित किया है कि वो 40% महिलाओं को टिकटें देंगे, लेकिन उनका भी जनाधार साफ नज़र आ रहा है, काफ़ी कम है इस चुनाव में यूपी में। ये वैक्यूम अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ख़त्म हो तो नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि लगभग हम वही सी स्थिति में हैं जो पिछले कुछ चुनावों में थे, जहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेशन की बात है। ये कैसे सुधरेगा? आप क्योंकि एक महिला उम्मीदवार है, या आपसे तो मैं सवाल पूछूंगा ही कि इसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, और कैसे महिलाओं के सवाल डिस्कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं? तो ये तो है, ये मैं मानती हूँ कि हमारी आबादी का 50% हिस्सा होते हुए भी
हमारे संसद में या विधानसभा में 10-14% की प्रतिनिधित्व है। तो मैं पिछले कुछ सालों से इसी दिशा में इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एनजीओ से जुड़कर मैं करवा रही हूँ काम, और उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ खुद एक प्रत्याशी बनके। मैंने मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं और उन जब से वो राजनीति में हैं मैं कभी फोरफ्रंट में नहीं आई। मेरे ख्याल में मेरे पिताजी 5 साल विधायक रहे, मैं जहाँ जॉब कर रही थी किसी को पता भी नहीं था कि मेरे फादर विधायक हैं, और हम भी यहाँ कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। मेरी एक तस्वीर भी नहीं है उनके साथ कभी भी उनकी विधायकी के टाइम की। तो ये सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। लेकिन पब्लिक सर्विस, सोशल एक्टिविज़्म, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म, बीइंग अ पॉलिटिकली अवेयर सिटीज़न, ये मैं हमेशा से रही हूँ। और मैं अब समझ सकती हूँ कि मैं क्यों नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, बहुत रफ़ है, बहुत डर्टी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं हर साल हर महीने कोई ना कोई आंदोलन देख रहे हैं। ये एक तानाशाही सरकार ने, बोलते ना, एक कोने में हमें ऐसा कर दिया कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा कि अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए पिछले एक साल से मैं आपको सही बताऊं तो जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पे थी, रात को हम हाईवे की वो जो डिवाइडर होती है उस पे सर रख के हम सो रहे थे, तो उस वक्त ये ख्याल आया था कि ये हम कहाँ आ गए हैं, हम किस देश के नागरिक बन गए हैं कि, और मैं कहूँ किसान बड़े भोले होते हैं, कि ये किसान भाई हमारे यहाँ सड़कों पर ला दिए हैं, और कितनी क्रूर सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये हमारे नेताओं का जो कहते हैं राजधर्म, राजधर्म कहाँ गया? अब आपकी जनता सड़कों पर पड़ी, आपने उनके लिए कीलें कड़वा दी, आपने उन पर पानी की बौछार करवाई, हर तरह के षड्यंत्र किए गए इस कदर कि राकेश टिकैत साहब रो पड़े। तो ये तो भगवान की ऊपर वाले की एक वो रही कि ये आंदोलन में जान आई, नहीं तो सब खत्म था वाकई में। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये जब गाँव से लोग उठ के आ रहे हैं, उनको अपने अधिकारों का इतना आभास है, और हम पढ़े लिखे होकर शहरी नागरिक, क्या हम आंदोलन आंदोलन ही खेलते रहेंगे? तो ये सोचकर मैंने फिर अपने फादर को बोला और ये इच्छा जाहिर करी कि मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये जो आपकी पूरी एक जर्नी रही है चुनाव लड़ने की जिसके बारे में आपने बताया, इसमें अभी एज, क्योंकि आप खुद एक डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं तो महसूस करते होंगे एक महिला होते हुए इस चुनावी रणनीति में, किन मुद्दों को, एक तो स्पेसिफिकली मैं पूछूंगा महिलाओं के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनरली किन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और आप यहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय लोकदल के, हमारी पार्टी के और हमारे गठबंधन में समाजवादी पार्टी आते हैं, सुहेलदेव पार्टी, तो अन्य घटक दल सब आते हैं। तो मुद्दे यही है कि ये सरकार का जो रवैया है, इसमें हर वर्ग अपने को शोषित महसूस कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, और एक विधायक का जो संविधान के तहत जो जिम्मेदारी और जो काम होता है वो नहीं निभा पा रहे हैं, उनके भी हाथ बांध दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब बस ये दो लोगों की सरकार हो गई है। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है। आप अगर विधायक के पास जाएं तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते जनता के लिए, तो एक पपेट्स बन के रह गए हैं सब लोग। तो हमारी पार्टी का ये आप 22 पॉइंट का एक संकल्प पत्र है, उसमें कई सारी ऐसी प्रगतिशील पॉलिसीज़ हैं जिसमें हम जनता के हाथ में अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि एक महिलाओं के लिए अगर देखें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इसका बहुत दूरगामी इसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे, ये बहुत ही सशक्तिकरण के बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो रहेगा। और मैं अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉलिसी को कैसे
तो अगर 50% आरक्षण होगा और महिलाओं के लिए जॉब्स अवेलेबल होंगे तो मैं अपनी विधानसभा में उन महिलाओं को एम्प्लॉयबल बनाऊंगी। एंड मेरा ये संकल्प है कि मैं ये दिखाऊंगी कि मेरे विधानसभा से सबसे ज़्यादा महिलाएं इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो एम्प्लॉयबल स्किल डेवलपमेंट वो काम हम करेंगे जिससे वो उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकें। और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जहाँ जहाँ राहत दे सकते हैं एक स्टेट लेवल पर वो हमारी सरकार देगी। उसकी शुरुआत इसी से है, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये सरकार आज चाहे तो 10 लाख नौकरियां आज खोल सकती है। तो अगर गठबंधन की सरकार आती है तो ये वो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख नौकरियां खोल दी जाएंगी। तो ये युवा के लिए एक बहुत अच्छा होगा। और मैं अपनी तरफ से अपने विधानसभा में अगेन मैं यही चाहूँगी कि अगर नौकरियां खुल रही हैं तो क्या मेरी विधानसभा का युवा तैयार है इसके लिए। मैं चाहूँगी कि कोचिंग सेंटर्स में और स्किल डेवलपमेंट करके उनको फटाफट हम इन जॉब्स के लिए तैयार करें। महिलाओं के लिए एक और है, वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन 3 गुना कर दी जाएगी। तो वो 1500 रुपये महीना अगर एक महिला की जेब में आएंगे हर महीने, वो मार्केट में ही खर्च होंगे। वो खर्च होंगे तो ये छोटे व्यापार के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह की हमारी पॉलिसीज होंगी और ये हर जो मुद्दा है उस पर वार करेंगे, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सशक्तिकरण हो। आप इस चुनाव प्रचार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका नाम भी थोड़ा सा देर से घोषित हुआ था, क्या एक डिसएडवांटेज फील कर रहे हैं, कितना कवर कर पाए हैं? मैंने ये सोचा था कि ये डिसएडवांटेज रहेगा, ये किसी के लिए भी होता है, बहुत कम टाइम है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही माहौल बना कि सभी घोषणाएं बहुत देर से हुई हैं। कई मेरा ही नहीं और भी कई विधानसभा में बहुत देर से प्रत्याशी घोषित किए गए। लेकिन क्योंकि ये मेरा अपना शहर है तो मुझे इतनी खास प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही हैं। एक ऐसा लग रहा है एक नेटवर्क पहले से था और वो बस एक्टिवेट हो गया है। तो नहीं, मैं तो बस ये टाइम की कमी है तो सबसे नहीं मिल पा रही हूँ। लेकिन कई लोगों ने तो ये बोला है हमारी तरफ तो आओ मत, हम तो तुम्हारे हमारे वोट पक्के हैं। तो जब लोग इतना वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया CCA के साथ जुड़ने के लिए मनीषा जी। एंड आप लोग हमारे दर्शक भी जुड़े रहें CCA के साथ, चुनावी खबरें UP से आप तक आती रहेंगी।